हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द साव व्लॉग्स। तो कैसे हो भाई सब? आई होप सब बढ़िया होंगे यार। तो आज हम आ चुके हैं अपनी 8200 में शवि भैया के साथ। तो भाई बेसिकली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। एंड वो रीज़न ये है यार कि अभी कुछ दिन पहले ही शवि भैया कितना टाइम हो गया ब्रेक पैड लगवाए हुए आपको? 25 दिन। ठीक है, तो भाई 25 दिन हो गए इस गाड़ी के अंदर ब्रेक पैड लगे हुए। और भाई आप जैसे आप सबको पता होगा भाई ब्रेम्बो क्या नाम है, क्या उसकी फेस वैल्यू, सबको पता ही है भाई इसके बारे में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं ब्रेम्बो के बारे में। तो मतलब भाई आप ये सोचो, एक बंदा इतना स्पेंड करके, मतलब जो नॉर्मल आता है भाई, नॉर्मल और उसमें कितने प्राइस का डिफरेंस होगा? काफी फर्क है भाई। तो भाई देख लो, मतलब आप मोटा मोटा कुछ थोड़ा सा बताओ। ऑलमोस्ट डबल का फर्क है। देख लो भाई, मतलब डबल का फर्क है जैसे भाई ने बताया। और बंदा डबल स्पेंड करके ये सोचता है यार कि यही एक उसकी थिंकिंग आएगी कि बंदा मतलब बेटर ब्रेकिंग मिल जाएगी गाड़ी के अंदर। और जैसे आप सबको पता है यार कि हम ड्रैग वगैरह भी करते हैं, हाइपर राइड्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं यार। तो गाड़ी में ब्रेकिंग जितनी अच्छी होगी हमारे लिए एक सेफ्टी पॉइंट होगा यार वो। तो भाई वो सोच के बंदा अपनी गाड़ी में ब्रेक अपग्रेड कराता है। और ऐसे कुछ छवि भैया ने करा और 3 बार भाई ने हमारे जो अपने रोटर्स होते हैं ब्रेम्बो के वो चेंज करा दिए। और हर बार 10,000 किलोमीटर पर करा दिए। तो पहले भाई को लगा कि यार कि गाड़ी के अंदर कुछ इशू हो सकता है, लेकिन भाई समझ नहीं पा रहे थे। भाई जब थर्ड टाइम भी भाई ने चेंज करा लिया ना, और भाई हम सब हाइपर राइड पे गए हुए थे तो मैं लेट आया था, तो मेरे को पता नहीं था। मेरे को आने के बाद उन्होंने ये बात बताई भाई कि मतलब सुनने मेरे को ये सुनने में आता है कि भाई गाड़ी 100 कितने पे थी भाई? 145-150 पे। तो देख लो भाई 145-150 पे थी। और आगे आता है एक ट्रक, और भाई भाई कहते हैं वहां पे जैसे ही भाई ने गाड़ी की ब्रेक मारी, गाड़ी पूरी वॉबल करने लगी। और उसकी मैं क्लिप्स भी डालूंगा, आप उसको प्रॉपर सुन भी सकते हो कि कैसी आवाज आई, कैसा सब कुछ हुआ। शवि भैया ने भी इसके बारे में वीडियो बनाई है, पर भाई मैंने इस बारे में वीडियो बस इसलिए बनानी थी कि भाई मतलब आप ये सोचो कि आजकल क्या टाइम आ गया, बंदा अपनी भाई शवि भैया उस टाइम में सच बताना आपको कैसा फील हुआ था जब ये सारा सीन हुआ? भाई मैं समझ ही नहीं पाया था उसके बाद, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आया उसके बाद, उससे ऊपर चला ही नहीं पाया गाड़ी को। भाई ऑब्वियसली बात है भाई, बंदे भाई जो बंदा हम इतने हाइपर राइड्स करते हैं, यूट्यूब पे सबको पता है भाई कि 820 कितने फेमस है। 240 पे ब्रेक मारते हैं। बिल्कुल ये भाई, तो जब 150 पे वो हो गया तो बंदा सोच नहीं सकता ऊपर की। और भाई तब देखो भाई भगवान की चाहती कि आपकी स्पीड तब भी कंपैरेटिवली कम थी, क्योंकि भाई हम लोग उस पे थे वृंदावन वाले, तो अपना हाईवे आता है यमुना पे, तो भाई वहाँ पे तो सब खींचते ही खींचते हैं। और तो किस्मत थी भाई, भगवान ने चाहा, भगवान ने बचा लिया उस दिन। तो भाई जैसे जैसे भाई ने मेरे को क्लिप्स दिखाई और सब कुछ हुआ, भाई मैं सही बताऊंगा मतलब आप ही सोचो, मैंने जब फर्स्ट टाइम उसमें देखा ना भाई, मेरी रूह काम की थी कि भाई हुआ क्या है। और मतलब भाई इस गाड़ी के बारे में इतनी तारीफ करता हूँ, जब भी इसकी वीडियो बनाओ या कुछ भी करो इतनी तारीफ करता हूँ, इतनी बढ़िया गाड़ी है, 1,10,000 चल चुकी है गाड़ी और तब भी एकदम विलेन को रन करती है अभी तक। भाई ड्रैग में अच्छे अच्छों को ये खा जाती है, और भाई इस गाड़ी के साथ ऐसा हो रहा है तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हो यार कि क्या ही बोलना है। अब उसके बाद भाई हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लोग ये भी बोलेंगे कि यार कि जो डीलर है उसकी गलती हो सकती है, वो आपको सही माल नहीं दे रहा। तो भाई हमने उसके रिगार्डिंग ब्रेम्बो के अंदर कंप्लेंट भी करी। तो भाई सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, भाई आपने कितने के परचेज करते वो ब्रेम्बो के ब्रेक पैड्स, वो सॉरी रोटर्स? प्राइस नहीं बताते मेरे। चलो ठीक है भाई, तो प्राइस हम अभी हम वो रखते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो बट भाई आपने इससे क्या लेसन सीखा पहले तो वो बता, उसके बताते हैं। मैंने ये सीखा है कि मेरी गाड़ी 78,000 तक है ना कंपनी के रोटर्स पर चल रही थी। हाँ जी भाई, कभी भी सिंगल मतलब मेरे को बदलवाने नहीं पड़े। बिल्कुल, लेकिन एक लाइफ टाइम होता है उसका भी। हाँ जी भाई, तो मेरे खराब नहीं हुए थे, वो भी मैंने अपग्रेड ही करे थे। ओके, और पिछले 30,000 में ना 3 ब्रेम्बो डाल चुका हूँ रोटर्स। बताओ भाई, तो मतलब भाई मेरे को तो लगता है चाइनीज भी चल जाते होंगे यार। भाई मैंने कभी डाले नहीं है चाइनीज, लेकिन मेरे को पूरा पूरा जो आप कह रहे हो मैं उससे सहमत हूँ भाई, 100% चाइनीज ज्यादा चल जाएंगे इससे। तो भाई देख लो, मतलब भाई बंदा इतना एक्सपेंसिव, मतलब मैं इतना हिंट दे सकता हूँ यार कि मैं प्राइस नहीं बताऊंगा एग्जैक्टली, बट हाँ आराम से ना अच्छे अच्छे के धुएं छूट जाए, इतने के ब्रेक पैड आते हैं। तो भाई मतलब आप ये सोचो यार कि ये भगवान जी की देन थी यार कि इतना सब कुछ जो हुआ भाई के साथ उस टाइम पे। सबसे बड़ी बात भाई अकेले थे, भाई की 2 बेटियां हैं जैसे कि आप सबको पता ही है। और भाई आपको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देखो भाई इंसान है ना अपनी है ना ब्रेक्स वगैरह अपग्रेड है ना इसलिए करता है क्योंकि उसको अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी चाहिए होती है।
सो भाई दो मेरी बेटी है, मेरी वाइफ है। सो मैं एक बेसिक एक प्रैक्टिकल इंसान वाली बात करता हूँ भाई, अपनी जान सबको प्यारी होती है, हर बंदा ये चाहता है कि मैं घर पे सेफ पहुंचूं। बिल्कुल भाई। और मर्सिडीज से अपग्रेड करके मैंने ये ब्रेम्बो इसलिए डाला था कि इसके ज्यादा अच्छी ब्रेकिंग होगी, लेकिन भाई सारी मिथ है ये सब, मतलब बेकार है। ठीक है, कुछ भी नहीं है ब्रेम्बो भाई, कुछ भी नहीं है ब्रेम्बो। इट्स बेटर, आप मेरा यही कहना है कि जेन्युइन डालो भाई और खुश रहो। एटलीस्ट आप जाके कंपनी के मुंह पे थूक तो सकते हो, उनको मार तो सकते हो ना कि भाई ये कैसे ब्रेक नहीं लगे गाड़ी के। ब्रेम्बो का तो इंडिया में कोई जवाब वो ही नहीं है। तो भाई इसके ऊपर भी बात करते हैं भाई, आपका ब्रेम्बो के साथ, चलो ये सब तो मुझे भाई हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बट हुआ, हम अब कुछ नहीं कर सकते बिल्कुल। बट उसके बाद क्या आपका रहा, कि ब्रेम्बो के साथ आपका क्या रहा, एक बार वो भी बताओ आप। सो भाई ब्रेम्बो से आपको इंडिया में कोई रिस्पांस नहीं मिलने वाला। मैंने ब्रेम्बो में कॉल किया तो वो कहते हैं कि हमारे तो 1.5 लाख रोटर्स आए थे और किसी में दिक्कत नहीं आई, आपके में दिक्कत आई। मैंने कहा भाई मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरी वीडियो चल गई थोड़ा सा ऊपर, मैंने कंप्लेंट कर दी, इसलिए कंप्लेंट पहुंची है। आधी दुनिया लगवा लेती है, बेचारे दुखी होकर वापस जेन्युइन लगवा लेते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ब्रेम्बो ने कोई अपना ऐसा कस्टमर केयर नंबर या कुछ तो छोड़ा ही नहीं है कि जिस पर दिक्कत दिखाएं या बोले। अच्छा वो रिवर्ट नहीं करते, अगले को फर्क नहीं पड़ता भाई, वो कह रहा बंदा मर जाए हमारा क्या फर्क जा रहा है, क्यों लगाए, साफ मुंह पे कहते हो। तो भाई ये है ब्रेम्बो, देख लो भाई, ठीक मतलब... है। इससे अच्छी भाई रेमसा वगैरह आती है आपकी, चाइना की, ताइवान की कंपनियां, आप रेमसा लगा लो, मैं आपसे मुंह पे कहता हूँ 200 पे भी गाड़ी खड़ी कर देती है रेमसा, और ये 150 पे नहीं टिक रहे। तो भाई ऐसा कुछ था भाई का एक्सपीरियंस, और भाई ये सुन के मतलब भाई मैं यही बोलना चाहूंगा एट एंड कि मतलब यार क्या फायदा, मतलब भाई बंदा इतना स्पेंड करे, इतना सब कुछ करे, और उसके बाद बंदे को ये सब मिले आउटपुट, तो भाई फिर कोई फायदा नहीं ना ब्रेम्बो का। और भाई ब्रेम्बो एक ऐसी ब्रांड है जो भाई मतलब हर जगह फैली हुई है, आप कहीं छोटी छोटी जगह ले लो, बड़ी से बड़ी जगह ले लो, हर जगह वो ब्रांड फैली हुई है। तो ये सुन के भाई बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंटमेंट होती है। आप अभी आगे ले जाकर ना खड़ी करके दिखाओ एक बार गाड़ी में, ये गाड़ी 500 किलोमीटर चली है आफ्टर द ब्रेक पैड्स, उसके बाद अभी 100 किलोमीटर पहले ये ग्राइंड होकर आए हैं, और ग्राइंड होने के बाद भाई आप देख लो कि इस गाड़ी का कहीं पर भी हार्ड ब्रेक नहीं लगे, दिल्ली में चल रही है, और आप दिखा के लाओ भाई इस पर लाइन दिखाओ। तो भाई एक बार आप भी साथ बाहर आओ, 500 किलोमीटर चले हुए आपके जो रोटर्स हैं वो आपको ग्राइंड कराने पड़ेंगे, और ग्राइंड कराने के बाद भी क्वालिटी देखो, सब क्वालिटी देख लो, कितना ही ग्राइंड करवा लो जब क्वालिटी गंदी हो तो ये होता है। आप दिखा कर लाओ भाई, आगे भाई एक बार आप भी साथ मेरे आओ। और मेरे पीछे के भी दिखाना भाई, वो मर्सिडीज वाले ओरिजिनल, ठीक है, वो 25-30 हजार चले आज तक लाइन नहीं है, ठीक है। तो भाई एक बार आप लोगों को दिखा भी देते हैं यार, मतलब पहले आपको मर्सिडीज के दिखाएं, तो भाई ये मर्सिडीज का देख लो भाई, इस पर ऐसा कोई लाइन नहीं, एकदम क्लीन, और भाई कह रहे 25 हजार चल चुके हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ ना आगे वालों की, तो भाई ये देखो, मतलब भाई आप जैसे देख सकते हो सारी लाइनें आने से, ये भाई साहब भाई इनकी तो पूरी ऐसी तैसी हो रखी है, ये देखो भाई सारी लाइनें आ रखी है। तो क्या फ़ायदा यार, मतलब इतना पैसा स्पेंड करो, और भाई वो पैसा भी जो है ना, मतलब अब ये समझ लो अच्छा खासा है, जो बंदा छोटा मोटा मैं कहता हूँ जो नॉर्मल बंदा होता है ना, जो पैसा अपना कमाता होगा ना 15-20 दिनों में, उतने तक के सिर्फ उसके ब्रेक पैड आते हैं, और भाई ने वो 3 बार लगवा दिए तब ऐसा हाल है यार। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। और बाकी भाई ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस यही बोलूंगा भाई इस वीडियो को जितना से जितना फैला सकते हो ना उतना फैलाओ, और ब्रेम्बो की ना सच्चाई बाहर लाओ, ताकि ब्रेम्बो आगे से कोई एक्शन ले भाई, ताकि उनको भी तो एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि वो भाई बंदों की जान से खेल रहे हैं सिर्फ पैसों के पीछे, और जो चीज बहुत गलत है भाई, जितना नाम कमाया है ना, अगर आज तक तो भाई बहुत लोगों ने बोला भी है भाई ब्रेम्बो के बारे में, पर इतना खुल के नहीं बोला। तो भाई सच्चाई बात तो यही है कि जिस दिन ब्रेम्बो के ऊपर भाई बात आ गई ना, जब ये बात ज्यादा फैल गई भाई, ब्रेम्बो को भारी पड़ जाएगा, जितना नाम उन्होंने बनाया नहीं ना उतना नाम उनको गंवाना पड़ जाएगा, और सच्चाई यही है। फेक भाई, मिथ है, झूठ है, बिल्कुल झूठ है भाई, मौत से खेल रहे भाई बंदे, मतलब हद होती है यार ये चीज सोच के बंदे को, जो कहते हैं ना गुस्सा टेम्पर भाई, वो कंट्रोल नहीं होता कि भाई आप ये सोचो मैं यहाँ बैठ के मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना बुरा फील हो रहा है भाई के लिए, भाई तो उस टाइम गाड़ी चला रहे थे, भाई पे क्या भी देगी भाई, मैंने मौत देखी है मेरे को, ये देखो भाई मेरे को अपने बीवी बच्चे दिख गए थे। दूसरा, मेरे चैनल का जो मेन कंटेंट है ना भाई, वो मेरा हाइपर ड्राइव ही है। सो आप लोग ये खुद सोचिए यार कि जो बंदा हाइपर ड्राइव करता है, मैं 10,000 पे रोटर ही इसलिए बदलवाता हूँ ताकि मेरी ब्रेकिंग मस्त रहे, मैं ग्राइंड ही नहीं कराता, और सोचो यार मेरे को ब्रांड न्यू ग्राइंड कराने पड़े हैं, और उसके बाद आज मेरे अंदर वो वापस हिम्मत ही नहीं आ रही है कि मैं इस कार को खींचूं कहीं पर, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो कर दिया है इस गाड़ी में भाई। कंपनी के ओरिजिनल थे, मैंने 243 पे ब्रेक मारी, आगे से नोज झुका दी थी, इतनी भी वाइब्रेशन नहीं, इतना भी डर नहीं था बिल्कुल, और मुझे लगा कि ब्रेम्बो लगाऊंगा तो और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगी, लेकिन भाई बिल्कुल, मतलब मैं आपको कह नहीं सकता भाई, मैं कभी जिंदगी में ब्रेम्बो का कोई भी प्रोडक्ट उसका एक बोल्ट भी यूज नहीं करूंगा, ये मैंने ठान लिया। तो भाई देख लो, ऐसा था कुछ अपना ब्रेम्बो की सच्चाई की जो वीडियो थी, ऐसी थी कुछ वीडियो।
आई होप सबको पसंद आई होगी भाई, जितना जितना भाई फैला सकते हो ना इस वीडियो को फैलाओ। मैं कहता हूँ लाइक शेयर वगैरह करो, मुझे कोई मतलब लाइक वगैरह करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट भाई मैं मेरा बस यही मोटिव है कि इस वीडियो को जितना से जितना फैला सकते हो ना भाई उतना इस वीडियो को फैलाओ, क्योंकि भाई इस चीज़ की ना अवेयरनेस लानी पड़ेगी। आज भाई के साथ ये हुआ, कल को भाई किसी और के साथ होगा तो भाई कोई फायदा नहीं है। मतलब लोग इतना स्पेंड करें और भाई तभी बंदों को बाबा जी का ठुल्लू मिले, ये बोलना पड़ेगा मुझे बाबा जी का ठुल्लू मिले ना तो भाई फिर बंदा भी सोचेगा कि मैंने क्या ही बोलना नहीं चाहता बस क्या ही कर दिया है। क्यों भाई बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो भाई ऐसा कुछ था, बाकी फैलाओ भाई इस वीडियो को, वीडियो को करते क्लोज। आई होप सबको पसंद आएगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, करते वीडियो को क्लोज, तब तक के लिए बाय बाय।